सो गाइस, मैं बैक टू द न्यू वीडियो और स्टॉक मार्केट न्यूज़ के एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ है आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले न्यूज़ है, समीर गहलोत स्टेप्स डाउन एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए काफ़ी बुरी बात है, समीर गहलोत ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अगर आप इसके इन्वेस्टर्स हैं तो ट्रेड वाइजली, मैंने इसके ऊपर एनालिसिस की नहीं है तो मैं एक्चुअल में सारी बातें आपको बता नहीं सकता या कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ऐसे ही हवा में बातें करना पसंद नहीं करता। पूरा एनालिसिस नहीं किया तो नहीं बात करना अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं, हीरो मोटोकॉर्प क्वार्टर वन प्रीव्यू, प्रॉफिट टू फॉल एटलीस्ट 70%, मार्जिन टू टेक बिग हिट। तो हम देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प का क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में 70% यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। सारी बातें हैं, प्रॉफिट टू फॉल एटलीस्ट 70%, एटलीस्ट यानी ऑलमोस्ट 70% तक गिर सकता है। तो ट्रेड वाइजली आपको यहाँ पर इसके इसमें वाइजली ट्रेड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.55% यहाँ पर राइज आई है आज, बट स्टिल इसके रिजल्ट्स में हमें कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि आप सभी को पता है कोरोना ने क्या कर दिया है, ज़्यादा लोग बाइक्स वगैरह खरीद नहीं रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका ट्रेड प्लान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अशोक लीलैंड क्वार्टर वन रिजल्ट्स रिपोर्ट नेट लॉस ₹389 करोड़ एज सेल्स डिक्लाइन टू अ टेंथ। तो जैसे कि हमने कहा अभी यूरियो मोटोकॉप भी एक ऑटो सेक्टर में आती है, अशोक लीलैंड भी उसी सेक्टर में आती है। तो ऑल दो उनका बिजनेस थोड़ा अलग है, इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है, सेक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसमें भी हमें सिमिलर सिचुएशन देखने को मिली है। यहाँ पर नेट लॉस होते हुए नज़र आ रहा है, कोरोना का असर दिखा रहा है, ऑटो सेक्टर पहले ही काफ़ी डाउन था, अशोक लीलैंड की हालत भी थोड़ी ख़राब थी पहले से ही, बट अभी और हो सकती है और आने वाले क्वार्टर्स में भी हो सकती है, और हो सकती है बल्कि, क्योंकि अभी का लॉस एटलीस्ट वो एक क्वार्टर का लॉस बेयर कर लेंगे, अगले क्वार्टर्स के जब लॉसेस अगर आएंगे कंटिन्यूस, अगर कोरोना सिचुएशन कंटिन्यू रही तो भी यहाँ पर वो डायरेक्टली हमें देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं, महिंद्रा फाइनेंस राइट इशू सब्सक्राइब्ड 1.3 times। तो महिंद्रा फाइनेंस का राइट्स इशू आया था वो अभी 1.3 times सब्सक्राइब्ड हुआ है। मैंने इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस नहीं की है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कि इसमें आपको क्या कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, बट स्टिल हम देख सकते हैं यहाँ पर 0.42 राइज आई है इंट्राडे में, इसमें 132.70 में ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट ये ओवर सब्सक्राइब तो हुआ है, 1.3 times सब्सक्राइब हुआ है, नहीं कंप्लीट सब्सक्रिप्शन तो हो चुकी है, तो एक अच्छी बात है। देखते हैं अभी इसमें आगे क्या होता है। आगे बात करते हैं, अरविंदो फार्मा क्वार्टर वन प्रॉफिट जंप्स 23% टू ₹781 करोड़। तो फार्मा सेक्टर हम देख सकते हैं, फार्मा सेक्टर की तो चांदी चल रही है, और अभी यहाँ पिछले भी काफ़ी सारे फार्मा कंपनीज के बारे में हमने भी पिछले एपिसोड्स में बातें की है, जैसे जैसे उनके रिजल्ट्स आए हैं, तो अभी अरविंदो फार्मा के रिजल्ट्स आए हैं और 23% प्रॉफिट में राइज आई है, तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि फार्मा सेक्टर हम देख रहे हैं कमा रहे हैं, उनकी चांदी चल रही है, तो टाइम चल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, SEBI स्लैब्स ₹25 lakh फाइन ऑन एंटिटी फॉर फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिविटीज। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं SEBI ने 25 lakh का फाइन लगाया है यहाँ पर फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो अगर आप कोई करते हो तो थोड़ा सावधान हो जाओ, SEBI वाले काफ़ी पीछे लगे यार आजकल बहुत लोग, ये होने सी बात है, यू शुडंट एंगेज इन सच एक्टिविटीज़। वेल, आगे बात करते हैं, वॉल स्ट्रीट जंप्स विद फोकस ऑन स्टिमुलस पैकेज। तो वॉल स्ट्रीट में हमें जंप देखने को मिली है तो एक अच्छी बात है, US मार्केट के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है हमारा इंडियन मार्केट भी, तो वॉल स्ट्रीट में जंप यानी इंडियन मार्केट में भी एक एटलीस्ट हम देख सकते हैं एक स्टेबलनेस देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, टाटा पावर क्वार्टर वन प्रॉफिट राइजेस 10% टू ₹268 करोड़, रेवेन्यू फॉल्स 17%।
तो प्रॉफिट में राइज आई है बट रेवेन्यू में फॉल आई है. तो हम देख सकते हैं इन्होंने एक्सपेंसेस भी कम किए रहेंगे तो प्रॉफिट तो बचा लिया. आई डोंट नो अगर इन्होंने प्रोविजंस भी किए हैं या नहीं किए हैं तो वो देखना पड़ेगा. मैंने इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस की नहीं है इसकी वजह से पता नहीं इसके प्रॉफिट रेवेन्यू फॉर में फॉलो आई है बट प्रॉफिट में राइज आई है. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं, प्रोविजंस किए हो सकते हैं, या फिर उन्होंने कम रेवेन्यू में ज़्यादा प्रॉफिट करने का किया रहेगा. तो ये भी सिचुएशन हो सकती है, हमें वो देख के यहाँ पर ये सिचुएशन अंदाज़ा लगाना होता है. क्योंकि कभी भी प्रॉफिट में राइज आती है बट स्टॉक गिर जाता है क्योंकि रेवेन्यू में फॉल आ जाती है. तो रेवेन्यू में फॉल क्यों आई है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो हमें जानना पड़ेगा. तो अगर आप टाटा पावर में इन्वेस्टेड हो तो आपको वो बात ध्यान में रखनी चाहिए. नॉट जस्ट टाटा पावर, सारे एंटायर स्टॉक्स की ये बात कर रहा हूं, उसमें ये सब में ये चीज लागू होती है. आगे बात करते हैं, पंजाब केमिकल्स शेयर प्राइस जंप्स 20% और रॉबस्ट क्वार्टर वन नंबर्स. तो पंजाब केमिकल्स का यहाँ पर स्टॉक में जंप आई है तो एक अच्छी बात है. केमिकल सेक्टर हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कमा रहा है. अभी रोजारी बायोटेक का भी यहाँ पर आईपीओ आया था, उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. अभी हम लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि मैंने भी एक इस केमिकल सेक्टर के स्टॉक के बारे में बताया था, आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं. पंजाब केमिकल्स भी अभी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है. आगे बात करते हैं, भारत फोर्ज रिपोर्ट्स लॉस ऑफ 127.32 करोड़ इन क्वार्टर वन, रेवेन्यू प्लंजेस 50%. तो भारत फोर्ज में लॉस भी हुआ है और रेवेन्यू में भी फॉल आया. जैसे मैंने टाटा पावर में कहा था वैसे यहाँ पर भी एक सिचुएशन है, बट यहाँ पर रेवेन्यू भी गिरा है और प्रॉफिट भी गिरा है, तो दोनों गिरे हैं यहाँ पर. तो हमें ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है, टाटा फौज में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना चाहिए. बट इंट्राडे में 5.14% ये राइज हुई है तो पता नहीं स्टॉक में क्या चल रहा है, थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है, काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. वेरी फिलहाल आज के लिए बस इतना ही. वीडियो पसंद लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा. इट्स अ होस्ट फॉर माय साइनिंग ऑफ इन माय नेक्स्ट वन. ड्रॉप द बॉम्ब.